साल 2019 की शुरुआत हो चुकी है और आपको बताना चाहेंगे सलमान खान इसके लिए अपनी कमर भी कस चुके हैं। साल 2018 में उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई थी जिस फिल्म का नाम था रेस 3। रेस 3 को बुरे तरीके से रिएक्शन के बाद सलमान खान काफी सतर्क हो गए हैं और वो सोच समझकर अपनी फिल्मों का चुनाव कर रहे हैं। साल 2019 में रिलीज होने वाली सलमान खान की फिल्मों की तरफ आ जाए तो उनकी फिल्म भारत रिलीज होने वाली है, जिस फिल्म में उनके अपोजिट कंडा कैफ, दिशा पाटनी, तब्बू, सुनील ग्रोवर और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार हमें देखने को मिलेंगे। सलमान खान की फिल्म भारत दक्षिण कोरियाई फिल्म और टू माई फादर का हिंदी रीमेक है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ही सलमान खान की एक और बड़ी फिल्म का ऐलान हो गया है। आपको बताना चाहेंगे करीब 16 साल पहले सलमान खान ने तेरे नाम जैसी सुपरहिट फिल्म की थी। सलमान खान और बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक ने मिलकर तेरे नाम फिल्म बनाई थी और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लेकिन तेरे नाम फिल्म के बाद ही सतीश कौशिक और सलमान खान के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। लेकिन अब 16 सालों के बाद उनकी ये अनबन खत्म हो गई है और ये एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि एक अंग्रेजी पोर्टल को दिए इंटरव्यू के दौरान सतीश कौशिक ने खुद इस बात का खुलासा किया है और तो और फिल्म भी फाइनल हो गई है। इस फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये फिल्म सलमान खान की होम प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म प्रोड्यूस करेगी। फिल्म उत्तर प्रदेश के गांव वाले लाल बिहारी पर आधारित कहानी होगी जो कि किसान होता है और बताया भी जा रहा है कि इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी भी अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल सलमान खान की बात करें तो अपनी फिल्म भारत में बिजी हैं और उन्होंने हाल ही में अभी बिग बॉस सीजन 12 को भी पूरा किया है। लेकिन दोस्तों देखना काफी दिलचस्प होगा कि सतीश और सलमान खान को एक साथ देखना काफी ज्यादा मजेदार साबित होगा। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है और इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। शाहरुख खान की फिल्म जीरो फ्लॉप होने के बाद उन्हें काफी बड़ा सदमा लगा है और शाहरुख खान अपनी इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी चल रहे थे। उनके हिसाब से कहना था कि जीरो फिल्म सुपर डुपर हिट ही साबित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो चुका। जब फिल्म जीरो रिलीज हुई तो आलोचकों का शिकार बनी और इसी के साथ ही मूवी क्रिटिक्स ने भी अपना नेगेटिव रिस्पांस इस फिल्म के प्रति दिखाया। इसका बड़ा नुकसान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में इस फिल्म को होता दिखा। लेकिन बताया जाता है कि शाहरुख खान की फिल्म जीरो के फ्लॉप होने के बाद उनको एक बड़ा झटका लगा है और अब वो अपनी फिल्मों में किसी भी तरीके की गलती नहीं करना चाहते हैं, लिहाजा अब वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर अपना पूरा ध्यान देने वाले हैं। आपको बताना चाहेंगे शाहरुख खान की फिल्म जीरो फ्लॉप होने के बाद उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है सल्यूट। और सल्यूट फिल्म की बात करें तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा की बायोपिक होने वाली है जिसकी मुख्य भूमिका में शाहरुख खान नजर आने वाले हैं। आपको बताना चाहेंगे इस फिल्म के निर्देशक महेश मथाई ने इस फिल्म की शूटिंग मई से शुरू करने की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन अब शाहरुख खान इस फिल्म की शूटिंग फरवरी से ही शुरू करना चाहते हैं ताकि लोग जल्द से जल्द जीरो फिल्म की चर्चा करना बंद कर दें और उनकी अगली फिल्म पर ध्यान देना शुरू कर दें। जीरो फिल्म अभी भी आलोचकों का शिकार बन रही है और जीरो फिल्म को लेकर तरह तरह के नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं और शाहरुख खान को ये बात काफी बुरी भी लग रही है। और इसी के साथ ही अपने फैंस को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में शाहरुख खान लग चुके हैं, यानी सल्यूट फिल्म से अब वो जीरो की कमी को पूरा करेंगे। दल दोस्तों देखना काफी दिलचस्प होगा कि जीरो फिल्म के इतने बुरी तरीके से रिस्पांस के बाद शाहरुख खान अपनी फिल्म सल्यूट में अपने चाहने वालों के लिए क्या बड़ा तोहफा लेके आते हैं। साथ ही आप किस बारे में क्या राय है और सल्यूट फिल्म को लेकर आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। साल 2018 में अभिनेता जॉन अब्राहम की बात करें तो उनकी दो फिल्में रिलीज हुई थी। सबसे पहले उनकी फिल्म रिलीज हुई परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरान और फिर उनकी फिल्म रिलीज हुई सतमय जयते। ये दोनों फिल्में देशभक्ति पर आधारित थी और इन फिल्मों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। साथ ही इस फिल्म में जॉन अब्राहम ने जबरदस्त तरीके से एक्शन को भी दर्शाया और ये दोनों फिल्में अच्छी खासी बिजनेस कर पाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। लेकिन साल 2019 जॉन अब्राहम अपनी बड़ी फिल्मों को लेकर आ रहे हैं और उन्हीं फिल्मों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले साल 2019 में रिलीज होने वाली फिल्मों की तरफ आया जाए तो जॉन अब्राहम की कई ऐसी फिल्में हैं जो साल 2019 में बड़ा धमाका करने वाली हैं। सबसे पहले बात करेंगे रॉ यानी रोमियो अकबर वॉल्टर की। इस फिल्म में जॉन अब्राहम के अलावा मौनी रॉय अपनी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आने वाली है और इस फिल्म को 15 मार्च 2019 को रिलीज किया जाना है। इसी के साथ ही दूसरी बड़ी फिल्म की बात करें तो दूसरी बड़ी फिल्म का नाम है बाटला हाउस और इस फिल्म को 15 अगस्त के मौके पर रिलीज किया जाना है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम एक पुलिस वाले का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं और ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म होने वाली है। इसी के साथ ही जॉन अब्राहम की तीसरी बड़ी फिल्म की बात करें तो अभी हाल ही में खबरों का बाजार गर्म हुआ था कि आमिर खान की सुपरहिट फिल्म सरफरोश का सीक्वल में जॉन अब्राहम नजर आने वाले हैं और जॉन मैथ्यू मैथन ने इस बात के लिए उन्हें अप्रोच भी किया है। फिलहाल अभी
कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आई है और बताया जा रहा है कि इस फिल्म को साल 2020 तक रिलीज किया जा सकता है। जॉन की चौथी बड़ी फिल्म की तरफ आया जाए तो साढ़े साथी का नाम आता है और बताया जा रहा है साल 2019 के आखिर महीने में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। बताया जाता है कि अनीश बाजमी ने इस फिल्म में काम करने के लिए सबसे पहले अजय देवगन को अप्रोच किया था, लेकिन डेट इश्यू के कारण अजय देवगन ने उनकी इस फिल्म को करने से मना कर दिया और ये फिल्म जॉन अब्राहम के झोले में आ गई। तो दोस्तों, ये थी अभिनेता जॉन अब्राहम की साल 2019 में रिलीज होने वाली वो बड़ी फिल्में, जिन फिल्मों में जॉन अब्राहम अपनी बेहतरीन भूमिका से सभी लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। आपको बताना चाहेंगे साल 2018 उनके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहा है और जिस हिसाब से उनकी फिल्मों का रिस्पॉन्स मिल रहा है उस हिसाब से ये साफ कहा जा सकता है कि साल 2019 भी काफी बेहतरीन साबित होने वाला है। वैसे आप किस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। साल 2018 बॉलीवुड के लिहाज से बेहद खास रहा है और 2018 में हिचकी स्त्री, बधाई और अंधाधुन और पद्मावत जैसी कई सुपरहिट फिल्में बड़े पर्दे पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने में कामयाब साबित हुई हैं। अब हिंदी सिनेमा के दर्शकों को साल 2019 में भी कुछ ऐसी उम्मीदें हैं और साल 2019 में रिलीज होने वाली फिल्में भी काफी ज्यादा जबरदस्त हैं। लेकिन दोस्तों, साल 2019 में कुछ फिल्में ऐसी हैं और उन बड़े सुपरस्टारों की हैं जो आपस में क्लैश होने वाली है और इन्हीं फिल्मों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। साल 2019 में किन किन सुपरस्टारों की फिल्में आपस में टकराएंगी ये आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे साल 2019 के 25 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म मणिकर्णिका और सुपर 30 के बारे में। मणिकर्णिका की बात करें तो ये कंगना रनावत की बड़ी बजट की फिल्म है। इसी के साथ ही ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 भी काफी दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। इन दोनों फिल्मों के बीच हमें कड़ी टक्कर 25 जनवरी को देखने को मिलेगी। बात करें केसरी और टोटल धमाल की तो बताया जाता है कि मार्च के महीने में इन दोनों फिल्मों के बीच हमें कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। केसरी फिल्म की बात करें तो अक्षय कुमार इस फिल्म में एक सिख का किरदार निभा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल एक कॉमेडी फिल्म होने वाली है और दोनों फिल्मों के बीच हमें क्लैश मार्च के महीने में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही सुपरस्टार सलमान खान की बात करें तो ईद के मौके पर उनकी फिल्म भारत रिलीज होने वाली है और भारत फिल्म की बात करें तो ये बिग बजट की फिल्म है। रेस 3 को बुरी तरीके से रिएक्शन के बाद भारत से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और वो नहीं चाहते कि भारत फिल्म से फिर से उनको दर्शकों को एक बुरी तरीके की फिल्म मिले और इसलिए भारत फिल्म में वो किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ रहे हैं। भारत फिल्म के साथ फवाद खान की फिल्म लेजेंड और मौला जट रिलीज होने वाली है और इन दोनों फिल्मों के बीच हमें कड़ी टक्कर ईद के मौके पर देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, सबकी निगाहें टिकी होंगी 15 अगस्त पर। जी हां, साल 2019 में 15 अगस्त के मौके पर तीन बड़ी फिल्में आपस में टकराने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस, अक्षय कुमार की मिशन मंगल और प्रभास की फिल्म साहो। ये तीनों बड़ी फिल्में 15 अगस्त के मौके पर रिलीज होने वाली है और ये तीनों फिल्मों के बीच हमें कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही अगर क्रिसमस की बात करें तो क्रिसमस पर भी दो बड़ी फिल्में टकराने वाली हैं। अभिनेता सलमान खान की फिल्म किक 2 को लेकर भी खबर आ रही है कि क्रिसमस के मौके पर इस फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन स्टार फिल्म ब्रह्मास्त्र भी क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर सलमान खान की फिल्म किक 2 ब्रह्मास्त्र के साथ रिलीज होती है तो हमें कड़ी टक्कर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि किक 2 को लेकर काफी दिनों से दर्शकों की एक्साइटमेंट बनी हुई है और चाहते हैं कि सलमान खान एक बार फिर से डेविल बनकर उनका एंटरटेनमेंट करें। तो दोस्तों, ये थी साल 2019 में वो बड़ी फिल्में जो एक साथ कई सुपरस्टारों के साथ रिलीज होने वाली हैं और ये फिल्में भी काफी बिग बजट की हैं। तो जाहिर सी बात है, इन फिल्मों का कलेक्शन भी काफी ज्यादा हाई फाई होने वाला है। तो दोस्तों, आप किस फिल्म को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें।